हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपना आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप खुद से ऑनलाइन आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस में आपको बताऊंगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है UIDAI। ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको माई आधार का सेक्शन दिख रहा होगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट को कट करना है। उसके बाद अपडेट आधार में यहाँ पे आपको अपडेट डेमोग्राफी डाटा का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर चले जाना है। उसके बाद लॉगिन का यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर कैप्चा को फिल करना है और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। OTP जाते ही आपको क्या करना है, नीचे में आपको इंटर पे OTP करके यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपका यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर के साइड में आपको कॉर्नर में आपका एक प्रोफाइल टाइप का एक आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका डिटेल यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। जो भी आपका करंट आधार कार्ड में डिटेल होगा वो डिटेल आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे में आपको थर्ड वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, एड्रेस अपडेट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। तो इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे अपडेट आधार ऑनलाइन का ऑप्शन आपको सबसे फर्स्ट वाला आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पे नेम अपडेट ऑनलाइन नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ अपडेट ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, जेंडर अपडेट नहीं कर सकते, सिर्फ आप एड्रेस ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको प्रोसीड टू आधार वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी करंट आपका एड्रेस होगा आधार कार्ड में, वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे में सारा डिटेल आपको इंटर करना है। अब यहाँ पे जो भी आपको आधार कार्ड पे सुधार करना है, चाहे आपका फादर नेम हो, चाहे आपका कोई एड्रेस में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसको आपको सही टाइप करना है। जैसे यहाँ पे केयर ऑफ में मैंने फादर नेम लिखा, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे में हिंदी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, लैंडमार्क आपको डाल देना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड जैसे ही आप इंटर करेंगे, पिन कोड इंटर करते ही आपका स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टेट आ चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिख जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका नीचे इंग्लिश हिंदी दोनों में हो जाएगा। उसके बाद आपका विलेज, टाउन में आपका विलेज, इस लिस्ट जो भी आपका विलेज का नाम होगा आ जाएगा इस लिस्ट में, उस लिस्ट से उस नाम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप में आपको डॉक्यूमेंट सपोर्ट करना कि इस एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ढेर सारा ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें से आपके पास जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है इस लिस्ट में से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से वोटर आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से वोटर आईडी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्लिक टू अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। अपलोड में जाने के बाद आपका जो भी आपके पास वोटर आईडी कार्ड फोटो है, आप उसका डायरेक्ट फोटो पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं अगर आप आपने सेव करके रखा है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और इसको सेव में रखा हूँ, तो मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो भी आपका डिटेल होगा शो हो जाएगा। उसके बाद उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे 100% का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू को आप एक बार अच्छे से मिला लेंगे और अभी आप एडिट कर सकते हैं, इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो प्रीव्यू को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको नेक्स्ट हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये दोनों ऑप्शन को आपको क्या करना है, टिक कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको टिक करना है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, इसको आपको एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आपका यहाँ पे 50 रुपये का चार्ज यहाँ पे कटेगा, जिसको पेमेंट करना होगा। मेक पेमेंट पे आपको चले जाना है। मेक पेमेंट पे जाते ही आपके सामने जो पेमेंट का गेटवे है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप UPI कार्ड, जो भी आपके पास ऑप्शन है, इस ढेर सारा ऑप्शन है, इस ऑप्शन से जो भी आपके पास सुविधा है आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से UPI के थ्रू मैं यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे UPI को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन है,
इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपका यहाँ पे पेमेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका कुछ यहाँ पे टाइमर चल रहा है। टाइमर चलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके यहाँ पे आपको टोटल डिटेल आपको दिख जाएगा, ये सारे नंबर जो होता है बाद में आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका क्या हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में पूरा बता दिया कि आप किस तरह से आप खुद से आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत से लेकर पेमेंट तक फाइनल पेमेंट तक मैंने आपको पूरा प्रोसेस मैंने आपको वीडियो में बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि आपको इस चैनल पर बैंक से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड और भी जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं इसमें वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।